अच्छी है? कैसी लगी बाइक? अच्छी है? क्या है यहाँ पे भैया आपके मोमोज खाने? समझ रहे हो? देख इस प्यारे को, कितना प्यारा है ये। मुंह में डालेगा ब्रूम हो जाएगी ब्रूम। What's up guys, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए, घरों में सेफ हो गए। और थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर। जो डिलीवरी की वीडियो थी वो हमारी ब्यूटी तो साइड में खड़ी हुई है, और मैंने सोचा क्यों ना जैसे दोस्तों को नहीं पता था पर मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी जैसे आपको बताया था बाइक गिर गई थी डिलीवरी के थोड़ी देर बाद ही, और पापा के भी थोड़ी चोट लग गई थी। उसके बाद मेरी बुआ की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको DMC लेके गए हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं, भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो। तो उस दिन आपको पता मूड नहीं ठीक था तो मैं कुछ भी करा नहीं पाया, पर अगले नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी सी पूजा करवाने गया था बाइक की, बस उसके बाद और कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था। और सोचा कि अब जाके दोस्तों को जाके बाइक दिखा के लाते, बाइक देखना उनको पता लग गया, दोस्तों को पता लग गया कि हाँ मैंने बाइक ली है, मैंने बता दिया था मैंने मैसेज करके। वैसे मेरा कुछ और प्लान था कि बाइक लेके जाऊंगा बिना बताए उनको, तो अभी मैं जान लगा हूँ एक एक करके दोस्तों के पास। शुभम के पास बेसिकली जाना था क्योंकि उसने भी सोचा था कुछ बाइक का लेने का, तो पर वो इस टाइम अभी अपने ऑफिस में नहीं होगा क्योंकि वो 3 बजे ऑलमोस्ट अपने ऑफिस से निकल जाता है। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे प्रणय के पास, उसके बाद चलेंगे बाद में। और एक और मस्त चीज़ है जो आपको मैंने दिखाई, जो मैंने बाइक के साथ ही ली थी, मैं बाइक लेके आया था उसके साथ मैंने ये हेलमेट लिया था, बहुत ही अच्छा रॉयल एनफील्ड का ये भी हेलमेट। और इसकी मैंने सोचा कि अलग वीडियो बनाऊंगा, पर नहीं, ऐसा अलग वीडियो क्या बनाऊंगा इस हेलमेट की, सोचा कि पहले अभी सबसे पहले जाके हम फ्रेंड्स के रिएक्शन। मैं काला क्यों लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, फ्रेंड्स के सबसे पहले जाके रिएक्शन लेंगे, दोस्तों के पास जाएंगे करके, एक दो के पास, शुभम के पास नहीं जाएंगे क्योंकि अभी उसका घर बहुत दूर है, वहाँ पे वहाँ जा नहीं सकते अभी हम। और उसके बाद घर आने के बाद मैं इस हेलमेट का रिव्यू दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा कि कौन सा हेलमेट है, कैसे क्या है, और मतलब डिफरेंट है बाकी उसे, नॉर्मल हेलमेट नहीं डिफरेंट है। तो कंटिन्यू तक देखो, एंड तक देखो वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, भूलना नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक नहीं कर दे, प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक का बटन है वो दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, इतना सा काम कर दो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नहीं मेरे को फ्री में मिली है, मैं जीता था कॉन्टेस्ट में। प्रणय भैया कहाँ पे है? ये रहा कृषि, कहाँ है भाई? ये रहा, कैसे हैं आप? तो हमने नई आदत अडॉप्ट कर ली है अब हेलमेट डालने की, देखते कितनी देर तक, क्योंकि एक्टिवा जितनी देर हमने चलाई जिंदगी में कभी हेलमेट नहीं लगाया, पर अब लगाएंगे जरूरी है। पहले मैं सोच रहा था नहीं लगाना हेलमेट, पर मैं लगा के आया हूँ। और प्रणय जी कैसी है? बेटा तू बहुत छोटा है अभी इसके लिए, वैसे ही इधर तो आप रहने आगे आ, कैसी लगी बता, ये बता पहले। अच्छी है? एक मिनट उतर देते हैं जरा, ऐसे ही उल्टी गिरी थी पापा से। हाँ जी आप बताओ कैसी लगी? अच्छी है। प्रणय ने अभी बाइक देख लिया, प्रणय कैसी लगी बता दिल से? अच्छी लगी है, मतलब मेरे को सच में ये वाला कलर था सबसे ज्यादा पसंद था, सबसे ज्यादा। पापा ने बोला था मिट्टी और लेनी, देखी मिट्टी और? देखी तूने? वो थोड़ी क्रूजिंग वाली टाइप है, वो अभी भी आई है, तो वो मगर पड़ते कहीं नहीं वही लेनी, तो बड़ी मुश्किल से मना के ये आई है। तो ये देखे, ये आते ही हमारा शगुन, ये रहा। तो हम आए हैं जोरावर के घर पे अभी, और देखते हैं जोरावर को, ऐसे पता तो सभी को है, रिएक्शन देखते क्या होता है इसका ना। तो यार मुंह तो घिर ही जाता है इस हिसाब से, पहले आप बाहर आ जा। क्या कहता आ रहा है, भागता हुआ आएगा देखें अभी। हाँ जी कितना भाई, सोया पड़ा था? सोया भी लग रहा है अभी भी, पड़ रहा था कितना? एक मिनट रुक जरा, मैं और की तो अभी चला के आया हूँ। हाँ जी बता कैसी लगी बाइक? अच्छी है? एक मैं ऐसे खड़ा रहे बाइक को देखते ना, मैं वीडियो बनाऊंगा ना माय फ्रेंड्स रिएक्शन, ऐसे देख नीचे ऐसे बाइक को ऐसे। पता है हरामी हो।
ये जरावर तेरी फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका? ओ एनिमल क्रुएल्टी का केस डालो, एनिमल क्रुएल्टी। तेरे पे लड़ा ना जो चुपेड़े मार रहा सैंडी के। वो भाई उसका मुंह पकड़ के क्या किया तूने? क्या किया? मैंने? कब नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ ना सैंडी को। प्यार करो, चुपेड़ मार के प्यार हो। और भी जैसे आपको बाइक दिखा दी है, प्रणय यहाँ पे भी गट्टू को फोन लगा रहा है, गट्टू के पास जाना है। उसके अलावा जोरावर पूछने गया कि वो भी शायद आए हमारे साथ साथ, नहीं तो साहिब के घर जाना पहले। हेलो, साहिब के घर भी जा सकते हैं, साहिब के घर पास में है यहाँ से, बहुत अमीर फ्रेंड्स कॉलोनी में। क्योंकि कौन से घर? ये हमारी धन्नो खड़ी हुई है तो इसको हम बंद ही कर दें, बैटरी ना उड़ जाए इसकी, पता लगे। ओ थोड़ा कंफ्यूजन चल रही है थोड़ी। अच्छा, तो आ रहे फिर हम गेड़ी मार रहे थे हम। नहीं आ सकते क्यों? दो मिनट के लिए बाहर आना, दो मिनट के लिए। पीयूष है। One eternity later. तो अभी हम सीधा बाइक से गाड़ी में शिफ्ट हो गए हैं। अभी हम जरावर के साथ हैं यहाँ पर। ऑन द स्पॉट प्लान बना, थोड़ा सा घुमक्कड़ करने जा रहे हैं, मतलब घूमने जा रहे हैं थोड़ा बहुत। देखते हैं, बाइक की राइड ले ली है, मजा आया वैसे। सब प्रणय से कैसा लगा बाइक राइड पे? बस जरावर देखो नहीं दी यार, किस दिन बाइक राइड देखो भी दूंगा। और रहने दे ब्रावा, ये कहाँ आ गया? ये शिट शिट शिट, यहाँ नहीं मुड़ा जाना, वापस यहाँ से निकाल ले, बाहर निकाल ले। तो वो जो अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, क्योंकि गट्टू का फोन किया था। गट्टू कहीं पे थोड़ा बिजी है, तो वो अभी घर के गट्टू अभी थोड़ा बिजी है, उससे मिल नहीं पाएंगे। बाकी साहिब अभी काम पे गया हुआ है अभी अपने थोड़े से, और साहिब अपनी अभी आ नहीं पाएगा। और बारिश भी ऑलमोस्ट शुरू हो गई, हम बिल्कुल टाइम पे हमने घर में गाड़ी लगाई है। और अभी हमने जनावर ने पता नहीं कौन सी टाइट गली में फंसा दिया हुआ है हमें। तेरे तेरे मुद्दे की है मल्ला, मैं मल्ले में रहता हूँ। हैं? लेफ्ट लेफ्ट मोड़ी, लेफ्ट मोड़ी, लेफ्ट मोड़ी। हम कहाँ पहुँचे हैं अभी? हम खड़े क्यूरो मॉल, और हमारा प्लान है इस टंकी के अंदर जाने का, वो जो टंकी सी ऑरेंज वाली। नहीं ये नहीं, जा रहा हूँ उतर के मोमोज लेने। कितने मोमोज खाएंगे? और भैया क्या हाल है, ठीक हो आप? हैं ठीक हो? ऐसे इग्नोर मत करके जाओ। हाँ जी भाई, मैं जा रहा हूँ प्रावा लेने। तो भैया की शॉप पे आए हैं यहाँ पे, भैया आपके मोमोज खाने। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो वधिया से बना के देना, ठीक है? ये भैया की शॉप है यहाँ पे क्यूरो में, भाई आ जाना भाई, मोमोज खाने यहाँ पे सारे, जिस जिसको खाने हैं। तो अभी आजकल जोरावर जिम कर रहा है, तो जोरावर चेक कर रहा है मैं कितनी कैलोरीज खा लूंगा अगर मैं ये मोमोज को खा लूं। और आज थर्सडे भी है तो वेज है ये, देख तेरे को प्रोटीन भी नहीं मिल पाएगा इतना। देख इस प्यारे को, कितना प्यारा है ये, मुंह में डालेगा ब्रूम हो जाएगी ब्रूम। जिम में पहनी थी बस 400 कैलोरी बर्न हुई। जिम में साला जिम में ट्रेडमिल नहीं चल रही भाई, नाम का। वाह खा रहे हो, देख भाई तू पागल है। वाह जी, जरूर आना इसके बाद भाई मोमोज खाने, मस्त। हमने मोमोज खा लिए हैं, और उतने वो मीम देखे, मैं हूँ जोगिंदर, आज इतने मोमोज खा दूंगा। नहीं भाई, पर सच में यार मोमोज अच्छे थे यार। आज थर्सडे इसलिए हमने वेज खाया, नहीं तो हमने नॉनवेज खाने थे। अगली बार नॉनवेज ट्राई करके जाना है, मुझे अभी से ही भूख लग रही नॉनवेज की। पर कोई बात नहीं, अभी सह लेंगे थोड़ा सा। मैंने बड़ा फेंकने वाला, मैं देखो इसके घर के सामने फेंकने वाला। ये बहुत ये गंदे लोग हैं भाई, ऐसे मैंने इसको बहुत बार देखा अपनी गाड़ी से गंद फेंकता है। इसको पकड़ा करो, उसकी गाड़ी में फेंक रहे हो डांसिंग कर फिर। चलो ठीक है भाई, वो बंदे आ गए, वो बंदे आ गए, बंदे पै गए ड्राइवर नु। ओए फड़ ले, फड़ ले, वो फड़ ले आ गया। ओए ओए मारने आई देखो। चलो भाई ठीक है, ओके बाय 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 जरावर भाई, थैंक यू भाई। तू पहले ब्लॉग ना ले आ भाई, कर ओए सैंडी आ गए, सैंडी आ गए, सैंडी भाई। एकदम ही बरसात पड़ी है, और देखो धूप भी आ गई, बरसात पड़ी, देखो सारा गीला है यहाँ पे, और एकदम ही धूप भी आ गई है। ओ ये लड़की हो रही है भाई, तो बच्चे लड़ते बहुत है भाई बुरी तरह। और बाइक पे भी पानी पड़ा, और कितनी मतलब मजेदार लग रही, देखो ऐसे। सच में बताना कमेंट करके एक बार कि रंग कैसा है कल मेन, जिसकी वजह से मैंने ली गई है ये बाइक। हाँ, और अभी हेलमेट दिखाता हूँ अपना, घर तो आ गया, और कुछ तो करना ही पड़ेगा कंटेंट के लिए।
हाँ जी, तो मैं आ गया था उधर से, और अभी अभी जरावर और प्रणय चले गए अपने 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 घर। जरावर को छोड़ देगा और फिर प्रणय को छोड़ देगा और अपने घर चला जाएगा। तो मैं कहा वीडियो को तो एंड करना ही था, मैंने उसका गट्टू का रिएक्शन मैंने बीच में जो डाल दिया वो मैं नेक्स्ट डे शूट करूँगा मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि वो आ नहीं पाया कुछ दिक्कत की वजह से। हाँ, कोई दिक्कत की वजह से वो आ नहीं पाया। बाकी ये रहा हेलमेट जो मैंने रॉयल इनफील्ड से लिया, एक्स्ट्रा लिया। एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो रॉयल इनफील्ड की तरफ से मुझे ये वाला हेलमेट फ्री मिला था। ये थोड़ा सा मतलब इसकी चिन प्रोटेक्शन ही है, बाई चांस अगर मैंने डाला होगा तो मेरी ये चीज़ प्रोटेक्टेड नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने दूसरा हेलमेट पाया। और ये भी पीछे वाले बैट पिलियन के लिए यूज़ हो सकता है। जी ये वाला हेलमेट जो मैंने लिया है ये अराउंड 3300 इसकी MRP थी, बाकी मुझे थोड़ा जानते थे इसलिए डिस्काउंट मिल गया उनको। ये तो काफ़ी अच्छा, थोड़ा बड़ा भी है हेलमेट। यहाँ पे मैं माउंट कर सकता हूँ अपना कैमरा, उसके लिए भी अलग सिस्टम होता है, ऐसे नहीं लग जाता। तो स्पेशली इसलिए मैंने ये हेलमेट इसीलिए लिया, नहीं तो मैंने नहीं लेना था, क्योंकि मुझे मोटो व्लॉग का मैंने थोड़ा सोचा हुआ है और उसके भी बारे में जल्दी आपको बात करूँगा। मैंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है उसका, मतलब ना कैसे नहीं। और उसके अलावा ये हेलमेट में खासियत क्या है कि ये जो लाइनिंग है इसकी ये बाहर आ जाती है कुछ इस तरह, एक कुछ इस तरह मैं इसकी लाइनिंग जो है इसको बाहर डिटैच कर सकता हूँ। और जो मोटो व्लॉग के टाइम अब कैमरा लगेगा तो उसके अंदर माइक भी लगेगा, उसकी माइक की तार काफ़ी बड़ी सी होती है तो वो अंदर पूरी एडजस्ट हो जाती है, वो खुल जाता है पूरा, इसका ये फ़ायदा है बेसिकली। बाकी इसको मैं कभी भी उतार सकता हूँ अंदर वाले पार्ट को। और सबसे स्पेशल बात इसकी ये है कि इसके अंदर एयर वेंट्स लगी हुई हैं, जो सामने आप मुंह से देख रहे हो ना ये एयर वेंट है असल में। और इसके अलावा इसके ऊपर भी ये दो एयर वेंट्स लग, सैंडी तू ना करना ऐसे यार, फिर मुझे वीडियो बनाने दे। इसके अंदर दो एयर वेंट्स दी हुई है इस तरह, एक ये वाली और एक ये वाली, ये एयर वेंट्स दो दी हुई हैं, ठीक है। और बाकी लाइनिंग लग जाती है, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बाकी अलग वीडियोस में बताऊंगा। और अभी बाइक के ऊपर वीडियो बनानी बची है, कैसे रिव्यू मेरा वगैरह चलाने वगैरह का। बाकी आपने मेरा दोस्तों का रिएक्शन देख लिया, तो थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो को इस पार्ट तक देख रहे हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करेगा बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ओके, बाय बाय।